हेलो फ्रेंड्स, सो मेरा नाम अक्षय है और मैं आज आप लोगों को एक नए तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट एग्ज़ाम के बारे में। तो गेट एग्ज़ाम में होता क्या है एग्जैक्टली, कैसे PSUs जो होते हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट की ओन की हुई एक लार्ज एंटरप्राइजेस होती है, तो किस तरह से रिक्रूट करती है गेट के थ्रू, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, ऐसा है कि इंडिया में जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते रहते हैं, तो बस उसी के एक बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस प्रोफाइल में। तो शुरू करते हैं गेट एग्ज़ाम में। अगर आप देखेंगे तो एक कुल मिला के 50 से 100 इतने कुछ PSUs हैं, उसमें से कुछ PSUs जो पॉपुलर PSUs हैं उनके बारे में चेक करेंगे। तो PSU में HPCL देखेंगे। HPCL में ब्रांचेस अवेलेबल होती है रिक्रूटमेंट के लिए, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ENTC, केमिकल, ऐसे अलग अलग तरह के की ब्रांचेस है, जिसका जनरल में देखेंगे तो 68 to 56, मतलब अगर आप मैकेनिकल तो 68 मार्क्स चाहिए, OBC में चाहे होंगे तो 60.90, SC में 50, ST में 41, PWD में 34.40। तो इस तरीके से ये कट ऑफ है मैकेनिकल के लिए। उसी तरह कैसे सिविल के लिए है, मिनिमम 70 मार्क्स चाहिए, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल में 58 चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन में 44, ENTC में 73। आप देख ही सकते हैं कि ये जो दिख रहा है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट मार्क्स है HPCL के लिए एलिजिबिलिटी होने के लिए। इसके अलावा आपको इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% होने चाहिए मिनिमम, क्योंकि अगर आपको 60% नहीं होते हैं और आपका गेट स्कोर अच्छा होता है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, मतलब ना के बराबर ही है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है इस लेवल में। उसके बाद में NTPC नाम का एक PSU है, इसमें भी सेम ही कहानी है। इसमें भी आपको मिनिमम 60% या 65% मिनिमम होना चाहिए गेट में, सॉरी BE में, मतलब इंजीनियरिंग में। और गेट में आपको, अगर आप ओपन कैटेगरी से हो, तो आपको 58, मतलब ऑलमोस्ट 60 मार्क्स तो आपको होने ही चाहिए। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको 40 या 30 के ऊपर मार्क्स भी होंगे तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मिनिमम 27 है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपको 27 मार्क्स मिल गए तो आप सिलेक्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कॉम्पिटिशन पे कि कितना कट ऑफ है, कितना स्कोर है, अवेलेबल सीट्स है भी या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मायने रखती है इस चीज़ में। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का आप स्कोर चेक कर ही सकते हैं NTPC। तो ये हो गया NTPC का। ONGC PSU एक बहुत बड़ी पॉपुलर PSU है, इसके अंदर अगर आप चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपको गेट का स्कोर चाहिए, ना कि आपका गेट का परसेंटाइल चाहिए। गेट का स्कोर मतलब 817 होना चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो, और अगर आप कास्ट में आते हो तो मिनिमम आपको 670 चाहिए, मतलब आपको मार्क्स चाहिए बीच में 670 से लेके 817, मतलब 817 तक। मतलब ये तो वही कहानी हो गई ना, कि आपको अगर आप किसी भी PSC में आपको सिलेक्ट होना है तो आपको मिनिमम 60 मार्क्स गेट में होने चाहिए, 60 मार्क्स एग्रीगेट BE में होने चाहिए। अगर ये दो प्लेस आपके स्ट्रांग है तो ही आप PSU को अप्लाई कीजिए। अगर आपको इन दोनों में से एक भी नहीं आपके पास, तो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपना टाइम समय पूरा बर्बाद कर रहे हो गेट की प्रिपरेशन करके। उसी तरह किसे MDL नाम की भी एक PSU है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि ये जो स्कोर दिख रहा है मिनिमम रिक्वायर्ड है, ये OBC के लिए, सॉरी ये ओपन का वालों के लिए है, OBC, ST, ST और PWD वालों को रिलैक्सेशन है, लेकिन ऑलमोस्ट 51.67 मार्क्स होने चाहिए PWD के लिए, तो हो सकता है बात बन सकती है। पावर ग्रिड का है, गेल का है, आप पूरा चेक कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं देख दिखा रहा हूँ आप लोगों को मार्क्स।
तो आप अपने पसंदीदा पीएससी के हिसाब से आपका मिनिमम स्कोर है, यहाँ पे नोट करके रख सकते हो। तो ये हो गया सिर्फ मिनिमम मार्क्स। तो अभी हम बात करेंगे कि ये पीएससी आपको देता कितना है सैलरी। तो उसी के लिए हमने एक वेबसाइट सर्च की और यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन चेक की कि हम वन बाय वन जाएंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड AAI, सिविल एविएशन सेक्टर है इसका, जिसमें स्टेटस है मिनी रत्ना। ये मिनी रत्ना कैटेगरी में आती है और ये सैलरी देती है 16,400 से 40,500 तक। और सैलरी CTC जो है, CTC ये 5 लाख का देती है। उसी उसी तरीके से नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, पावर इसका सेक्टर पावर है, मिनी रत्ना कैटेगरी में रहता है। 20,000 से लेके 46,000 तक के अपने को सैलरी देता है, मतलब ये भी ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास सैलरी देता है। ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC लिमिटेड जो है, ये पेट्रोलियम और नेशनल गैस का सेक्टर है और ये एक महारत्ना में आता है। ये महारत्ना में आते हैं इसलिए आपको 24,000 से लेकर के 50,500 तक, मतलब अगेन 5 लाख तक का पैकेज आपको मिलता है। कोल इंडिया लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड भी आपको 46,000 तक सैलरी दे देता है। 20,000 से लेके 46,000 तक, डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे, आपके स्किल्स पे, आपके स्कोर पे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है आपको 11 लाख तक का पैकेज दे देती है। इसका डिटेल्स तो मुझे नहीं मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे वो इनिशियली सैलरी स्ट्रक्चर 23,000 से लेके 46,500 तक दे रहे हैं, लेकिन 11 लाख रुपए का ये पैकेज दे रहे। तो इनका इंटरनली कुछ होगा तो उसके बारे में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन पावर ग्रिड महारत्ना है, ये 24,900 से लेके 50,500 तक का सैलरी देता है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पेट्रोलियम नेशनल गैस है जो नवरत्न है, 30,000 से लेके 46,500 तक आपको दे देती है। इसका CTC है 10,50,000 रुपये। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, डिफेंस कंपनी है, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसका 24,900 से लेके 50,500 तक का सैलरी देता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पेट्रोलियम का ही कंपनी है, नवरत्ना में आता है, 24,900 से लेके 50,500 तक, मतलब ऑन एन एवरेज 9,82,000 CTC ये देती है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल, गेल एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, इंडिया की पेट्रोलियम नेचुरल गैस की कंपनी है और ये आपको देती है 24,900 से लेके 50,500 तक, मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊंगा आपको तो आपको 5 से 6 लाख रुपए तक का पैकेज ये नवरत्न और मिनी रत्न देती है। इसमें हम आप सिर्फ पॉपुलर चेक करेंगे कि जैसे कि पावर ग्रिड है जो सबसे हाईएस्ट पैकेज देती है, इससे के इससे ज़्यादा मैंने किसी को देते हुए देखा नहीं। पावर ग्रिड आपको देती है 13,00,000, 13,95,000, मतलब ऑलमोस्ट 14 लैक्स पर एनम CTC देती है। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेज होता है। नेवियल लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मिनी एंड पावर है, ये नवरत्न कैटेगरी में आती है, 7,85,000 का पैकेज, मतलब ऑन एवरेज आपको उतना ही देती है। इसी तरीके से बाकी की पीएससी जो आप देख सकते हैं लिस्ट में, आपको देती है इतना सारा पैकेज। सिर्फ इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम मार्क्स शुड बी 60% इन BE एंड मिनिमम स्कोर इन गेट शुड बी एटलीस्ट 60%। अगर ये दो प्लेयर आपके स्ट्रांग हैं तो आपका तीर यहाँ पे लग सकता है। अगर नहीं है तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप M.Tech के लिए कीजिए, M.E के लिए कीजिए, PSU का ख्याल अपने दिमाग से हटा दो क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट और रूल बेस्ड कंपनीज होती है। और अगर आपको फिर भी करना है तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अगर आपको परसेंटेज कम है, लाइक 50% है या गेट में आपको सिर्फ क्वालिफाई हो सकते हैं इतना आप कर सकते हो, तो आप BSNL को अप्लाई कर सकते हो। BSNL मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड, बहुत ही बड़ी टेलीकॉम कंपनी है इंडिया की और ये 50,000 तक सैलरी दे देती है, बहुत सारे बेनिफिट भी मिल जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मिनिमम गेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा और इन्होंने अपनी कुछ खास मांग रखी नहीं है, पास क्लास इन BE भी चल जाता है। तो अगर आप PMTC बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आप BSNL थ्रू
अपनी पोजीशन बना सकते। तो मेरा स्कोर था 27.59 और मैंने ये किया था, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। फिर मैंने बाहर ट्राई किया और TCL मतलब टाटा कम्युनिकेशन में आज मुझे मिल गया है जॉब। तो इतना कुछ कुछ ये नहीं है, लेकिन हाँ मेरा एक्सपीरियंस पे मुझे इतना समझ में आ गया कि भैया अगर आपके दोनों प्लेयर ठीक है तो ये आपके लक है, नहीं तो नहीं है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, और प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए इम्प्रोवाइजेशन के लिए, क्योंकि आप जैसा कमेंट करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन फील होता है कुछ नया बनाने के लिए। बस थैंक यू।